राजपाल, वी आर फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपके खिलाफ नोटिस है जी? आपने एक प्राइवेट कंपनी को लोन देने के नाम पर 10 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये सब झूठ है सर, आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपने 10 करोड़ रुपए का लोन किस आधार पर सैंक्शन किया है? क्या बैंक और लोन लेने वाली कंपनी के बीच कोई गारंटर है? जी नहीं। कंपनी ने बैंक के पास अपनी प्रॉपर्टी का मॉर्गेज किया है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर, मैंने उस कंपनी को 10 करोड़ रुपए का लोन अपनी पर्सनल गारंटी पे दिया है। ये बैंक आपकी मिल्कियत नहीं है मिस्टर नागपाल, जिसे आप अपनी मर्जी से खरात में लुटा दें। ये सीधे सीधे 420 का केस है। लोन देने के बहाने आपने करोड़ों रुपए का बैंक को चूना लगाया है। नहीं, ये कोई 420 का केस नहीं है। मैंने जिस कंपनी को लोन सैंक्शन किया है वो बहुत ही रिस्पेक्टेड और रिप्यूटेड कंपनी है। उस कंपनी का हमारे बैंक के साथ लाखों रुपए का टर्नओवर है। अरे मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि सही वक्त पर हमारा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा? देखिए मिस्टर नागपाल, आपका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए हम आपको 24 घंटे की मोहलत देते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर आपने बैंक में 10 करोड़ रुपया वापस जमा नहीं करवाया तो फिर हम आपको सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे, समझे आप? चलिए ऑफिसर्स, चलिए। देखिए हमारे लिए बैंक के उसूल से मोर इम्पोर्टेंट इज योर फ्रेंडशिप, दोस्ती। हम आपकी ईमानदारी पर आंच नहीं आने देंगे नागपाल जी, नेवर। रुपए ठीक वक्त पर बिना मांगे पहुंच जाएंगे, विदाउट बेगिंग रीच। हाँ भाई, आप ही के भरोसे 10 करोड़ रुपए दिए थे। That is right. अब जेल जाने से आप ही मुझे बचा सकते हैं। ये बात भी सही है। सिर्फ 24 घंटे की मोहलत मिली है मुझे। अरे भाई नागपलवा, 24 घंटे का मोहलत मिला है, बट आई हैव ओनली जॉब फॉर 24 मिनट्स। अभी तुम्हारा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं। अरे संदुआ, अरे जरा फोन दे भाई। हेलो, हाँ बच्चा, हम बोल रहा हूँ कुमार सिंह। अरे नकबलवा हमारे पास आया है, कहता है कि उसको पैसा नहीं दिया। क्या रुपए अभी तक बैंक में जमा नहीं किए? भाई मैंने निखिल चोपड़ा को कल ही रुपए दे दिए थे। क्या? अरे तुम उसको काहे दिया चोपड़े को? भूल गए कि चोपड़ा तो एकदम ही दिमाग उड़ा रहता है। देखो देखो, गलती कर दिए। अभी बताओ कि ये बखत चोपड़ा किधर मिलेगा? भैरे चोपड़ा। गुड शॉट निखिल जी। थैंक यू। देखो देखो, नागपाल जी आए हैं, निखिल चोपड़ा जी। आइए आइए नागपाल जी, आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आप कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। मेरी जान मुसीबत में फंसी हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है? चलिए लाइए पैसे। ओहो, तो अच्छा अच्छा, आप रुपए लेने के लिए आए हैं। नागपाल जी, माय नेम इज निखिल चोपड़ा, सन ऑफ प्रेम चोपड़ा। मेरी नस नस में प्रेम ही प्रेम चोपड़ा हुआ है। मैं किसी से मोहब्बत भी करता हूँ ना, तो प्रेम से करता हूँ, और किसी का कत्ल भी करता हूँ तो प्रेम से करता हूँ। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आपके रुपए भी मैं बड़े प्रेम से आपको दूंगा। लेकिन क्या? वो क्या है कि कल रात को चड्डा के यहाँ पार्टी थी, बहुत देर हो गई थी, इसलिए मैं सारे रुपए वहीं छोड़ आया। अब उन रुपयों को लेने के लिए हमें चड्डा के घर जाना पड़ेगा। किया ले चोपड़ा, एक कान का तोलिया लाने में डुबकी मार ले, तेरे भी पाप सब टर हो जाएंगे। अरे भैया तुम लोग डुबकी बाद में लगाना, पहले मेरे पैसे दे दो नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ओ ओ, क्यों है कि कल रात को पार्टी थी ना, मैंने बड़ी दारू पी ली, मैं बिल्कुल टर हो गया, तो इसलिए मैंने वो सारे पैसे रामा रानी को दे दिए, पैसे लेके कार ले गई। अगर पैसे उसे दे दिए तो वो फिर बैंक में क्यों नहीं पहुंचे? अरे अगर रमा ने बैंक में पैसे नहीं पहुंचाए तो क्या हुआ, हम तो उसके पास पहुंच सकते हैं। वो अपने घर पे होगी और अपने भगवान की पूजा कर रही होगी। सही बोला। पानी बहुत ठंडा है डार्लिंग, छोड़ दो ना। तुम्हारे बदन को छू कर ये पानी तेजाब बन गया है, तुमको छोड़ दिया तो मुझे ठंड लग जाएगी। ये क्या कर रहे हो? शबाब के समंदर में तूफान आने का इंतजार। डूबना चाहते हो? नहीं, तुमको डुबाना चाहते है। ये 5वीं कॉल है दमाने डालने, जाने दो ना, वरना मैनेजर नागपाल का हार्ट अटैक हो जाएगा। हम्म।
खली भली भली। अरे चटा जी, आप तो कह रहे थे रामा जी पूजा कर रही हैं, हमें तो आए आधा घंटा हो गया है, क्या उनकी पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई? ओए नागपाल, ओए ये पकवान का मामला है, और पकवान के मामले में जो बिगन डालता है ना, तो पकवान उसका परमानेंटली टर कर देता है। टर। सॉरी नागपाल जी, मैं अपने देवता की पूजा में मशगूल थी, इसलिए फिर भी प्रसाद नहीं खा पाई। खैर क्या लेंगे? थैंक यू रमा जी, आप मुझे बैंक के पैसे लौटा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है नागपाल जी, मैं पैसे अभी लेके आती हूँ। दस करोड़, इतने सारे रुपए वापस करना क्या समझदारी होगी? नेवा।
सलीम भाई के गैरेज में अगर मैं किसी आदमी का हुलिया बदल दूं, तो उसे पैदा करने वाले माँ बाप भी नहीं पहचान सकते कि आदमी कौन है। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अरे विजय, स्विट्जरलैंड से कब आए? 2 दिन के लिए जाता हूँ, 2 दिन में वापस आ जाता हूँ। और ये? गाड़ी का रंग काला। अरे तुम चाय पियो, जब तक तुम्हारी चाय खत्म होगी तुम्हारी गाड़ी का रंग बदल चुका होगा। अरे मियां क्या कर रहा है तू? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपके पसंद की गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ दमनिया साहब, सबसे बेहतरीन एकदम लेटेस्ट मॉडल है। तो भाई फिर ये क्या दिखा रहे हो, काम की चीज दिखाओ ना। हाँ। वो रही काम की चीज, वो देखिए। आई आई कार देखा है इसको, वो देखा। मैं क्या दमानिया, वो गड्डी तो टर है। अरे भाई मॉडल क्या है इसकी? अभी पिछले महीने तो रोड पे आया है मॉडल। अच्छा, चलो लगता है ये कम से कम 50 लाख की तो होगी। करेक्ट, ये 50 लाख की गाड़ी है। अगर आप मुझे 10 लाख कैश देते हो तो ये गाड़ी आपकी। मियां गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतनी सस्ती क्यों बेच रहे हो? क्योंकि मैं 3 महीने के ऊपर कोई गाड़ी नहीं रखता। ये विजय साहब हैं ये गाड़ी के ओनर, और विजय साहब ये दमनिया साहब हैं, और ये इनके बिजनेस पार्टनर चड्डा साहब, ये मिर्जा जी हैं। आदाब। और इनको मैं पहली बार देख रहा हूँ। सौदा हमें मंजूर है मिस्टर विजय। मिर्जा 10 लाख रुपए दे दो। ठीक है। किरिट भाई, तुम रुपए लेकर दमनिया साहब को इस गाड़ी की चाबी और पेपर्स दे दो। एक जुबान पर सौदा डन करने वाले ग्राहक हमें बहुत पसंद है। बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय। चले गए, बहुत बिजी है ना। ऐसा है कि लोगों को खरीदने का शौक होता है, लेकिन विजय साहब को बेचने की आदत है। अरे करोड़ों की जायदाद को कोड़ियों के भाव बेच देते हैं। अभी भी बहुत कुछ है बेचने के लिए इनके पास। देश का घोड़ा है, बाजी लगाई जा सकती है। हमारे पंजाब में ऐसे आदमी को चुप टर बोलते हैं। पचास हजार ये एक मेरी, 50,000 की चाल। 1 लाख। 1.5 लाख की चाल मेरी। 2 लाख। 2,50,000। 2,75,000। 3 लाख। चाल चलिए विजय साहब, या फिर पैक कर दीजिए। पुरी साहब, विजय साहब जुए में अब तक 10 लाख रुपए हार चुके हैं, जरा इन्हें 10 मिनट सोचने का मौका तो दीजिए। 3.5 लाख का पत्ता, अगर बाजी तुमने जीती तो गेम होने के बाद पेमेंट कर देंगे। सॉरी विजय साहब, जुए में नो क्रेडिट, अगर पैसे खत्म हो गए ना तो आप सीट छोड़कर चले जाइए, और औरों को भी खेलने का चांस दीजिए। उठिए। बदतमीज। हमारे कैसीनो में बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सॉरी दमानिया साहब, माना कि हमें जुआ खेलने का बहुत शौक है, मगर कर्ज लेकर नहीं। किस कमबख्त ने कहा है कि हम आपको कर्ज दे रहे हैं? मिस्टर दमानिया तो आपके साथ सौदा कर रहे थे। सौदा? किस चीज का सौदा? हमारे एजेंट किरिट भाई ने हमको बताया था कि आपके पास बेचने को बहुत कुछ है। लॉट टू सेल यू हैव। किरिट भाई ने सच बताया था। तो देर किस गलती है काका? तुम अपने आइटम का नाम और प्राइस बता दो, सौदा मैं भी टाल कर देना। ये हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर चड्ढा है।
इनका नाम चड्डा साहब नहीं टर साहब होना चाहिए था। मिस्टर टर। हीरो हीरो। ये रमा साहब। ये कंवर सिंह। माय सेल्फ। और इनकी तारीफ उनके ही मुंह से सुनो तो बेहतर है। निखिल चोपड़ा, सन ऑफ प्रेम चोपड़ा। कार मेले में हम मिल चुके हैं प्रेम जी। आपके पार्टनर्स भी आप ही की तरह खानदानी और शरीफ नजर आते हैं। You're absolutely right, Mr. Vijay. आप लोग सेब के बाग खरीदना चाहोगे? ओए काका, हमें कोई फल फ्रूट की दुकान नहीं खोलनी है। वो कोई चंगी प्रॉपर्टी की बात कर, हम डील को अभी टर कर देते हैं। तो आप लोग ताजमहल खरीदोगे? खरीदने को तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं बरखुरदार, मगर हम मजाक नहीं खरीदते। विजय सन्याल बिजनेस में मजाक नहीं करता। आप लोगों के लायक हमारे पास जो भी चीज है वो ताजमहल से कम नहीं। बस आप लोगों में कीमत अदा करने की औकात होनी चाहिए। पहले अपनी चीज दिखाइए, फिर हमारी औकात का पता चल जाएगा। आप लोगों ने मसूरी के सवाय होटल का नाम सुना है? वहीं जा कैबरे होता है। उसकी कीमत 100 करोड़ है, मगर आप लोगों को सिर्फ 30 करोड़ में मिल सकता है। 30 करोड़? ये सौदा हमें मंजूर है, बस सिर्फ ये बताओ कि पैसे तुम्हें कब और कहां चाहिए। दमानिया साहब, ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पेपर्स तैयार करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पेपर्स तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। चिड़िया फंस गई जाल में, बर्ड कैच नेट। या ओके, 10 लाख। बाय। क्या हुआ? क्या डील फाइनलाइज हो गई है? हो गई। अरे ये होटल का दाना डालकर तुमने परिंदों के सामने जाल तो फैला दिया है, लेकिन अपने जाल में फंसाओगे कैसे? परिंदे जाल में जरूर फंसेंगे, बस एक बार होटल सवाई मेरे हाथ में आ जाने दो। अरे होटल सवाई होटल है, कोई मोटर गाड़ी नहीं है जिसको चुरा के एक जगह से दूसरी जगह खड़ा कर दोगे। अरे पता नहीं उसका मालिक कौन है, किसके ताबे में, ऐसे हालातों में उसको अपने हाथों में लोगे कैसे यार? है एक जरिया। दीवानी कभी तो मिलेगी, हजारों में एक दिन
चुनेगी, कहे कि मुझको बोना जा आना। सोना सोना दिल दे, सोना सोना दिल दे, अरे सोना सोना दिल दे, सोना सोना दिल दे। कोई मेरे खेले, मेरे लिए तू बनी है, आ मुझको बाहों में ले ले। मेरे ख्वाब यारा तेरे ही लिए हैं, तेरे साथ मैंने ये वादे किए हैं। एक बार कह देना हाँ हाँ हाँ, सोना सोना दिल दे, सोना सोना दिल दे, पर सोना सोना दिल ले, सोना सोना। मैं हसीनों का दीवाना, जो चाहे कर ले जमाना। ए, सीखे कोई मुझसे सीखे, दिल से दिल का लगाना आना। सोना सोना दिल दे, 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 अरे सोना सोना दिल दे। एक्सक्यूज मी, आप जो कहना चाहती हैं आप उसे कह दीजिए। देखिए, दिल में कोई बात आए तो उसे कह देना चाहिए। ऐसा ना करने से दिल पर बोझ पड़ता है। एक मिनट, आप क्या बकवास किए जा रहे हैं? मुझे क्या कहना है और मेरे दिल में क्या है? आपको मेरा डांस बहुत पसंद आया और आप मेरी आवाज पर फिदा हो चुकी हैं। आप मुश्किल में हैं कि आप ज्यादा तारीफ मेरी आवाज की करें या मेरे डांस की। आपकी मुश्किल आसान हो सकती है अगर आप उस टेबल पर मेरे साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लें। जी नहीं, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कोई मुश्किल नहीं है। गुड, वेरी गुड। खूबसूरती के हिसाब से इतनी अदा तो होनी चाहिए। हाय, आई एम विजय सान्याल। तेरी बातें सुनकर तो लगता है वो बहुत ही डैशिंग और हैंडसम होगा। क्यों, मैंने राइट गेस किया ना? हाँ, हैंडसम तो था, मगर बेचारे के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम थी। क्या स्टाइल झाड़ रहा था। अरे मुझसे बोला मैं उसके डांस और आवाज पर फिदा हो चुकी हूँ, तो दोस्ती करना चाह रहा था मुझसे। उसने मेरी तरफ हाथ भी बढ़ाया था। फिर मैंने उसकी तरफ हाथ तो बढ़ाया, मगर उसकी बगल में खड़ी सपना का हाथ पकड़ कर वहां से चल पड़ी। उसका चेहरा देखने वाला था। चल अच्छा किया जो तूने से हाथ नहीं मिलाया, अब तभी की बेचारा बर्बाद होने से बच गया। वैसे एक बात कहूँ तुझसे, मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी तेरा पीछा छोड़ने वाला है। वो जरूर तुझसे टकराएगा। पागल है तू, मैंने उसे अपना जो अंदाज दिखाया ना, वो मेरे पीछे आने की गलती कभी नहीं करेगा। ये गलती अब बार बार होगी मुझसे मिस मधु। मैं वर्ल्ड की हर कंट्री में घूमा हूँ, बहुत सारी लड़कियां भी देखी है मैंने। कोई शक्ल से अच्छी तो कोई अकल की प्रॉब्लम, कोई छोटी कोई मोटी। ये सारी बकवास तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम पहले अकेली ऐसी एक लड़की हो जो हर तरह से खूबसूरत हो। अच्छा मधु, तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स सब बड़े परेशान थे कि जाने मुझे अपने पसंद की लड़की कब मिलेगी, खास करके ये मीडिया और टीवी चैनल वाले। अच्छा तो मैं मीडिया को बता दूं कि हम शादी करने वाले हैं। ग्रेट। तुम्हारे आने से पहले मैं जूली से तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही थी। जूली, मैंने तुमसे कहा था ना कि इनके दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। मगर इनसे दोबारा मिलकर मुझे लग रहा है कि मैं गलत थी। इनकी प्रॉब्लम थोड़ी नहीं, ये पूरी तरह से ही पागल है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब से तुम्हें देखा है दिल दिमाग ठिकाने पर नहीं है, और अब तो आलम ऐसा है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मर सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। हाय। कहाँ हो तुम यार, कल रेस की प्रैक्टिस में भी नहीं आई। तुम्हें मालूम है ना आज रेस है, चल बैठो, कम ऑन। हाँ हाँ, चलती हूँ विकी। इनसे मिलो, विजय सन्याल, शादी में बैंड बजाते हैं, सॉरी ऑर्केस्ट्रा में। ये मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। नाइस जोक। चलो चलो जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इनसे प्यार हो जाए और मैं यही गाना गाने लग जाऊं। नाइस जोक अगेन,
लेकिन बच्चे तुमने गलत नंबर डायल किया है। ये इनका नाम क्या है? विक्की। इसकी लाइन बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट होने वाली है। गाइस ऑल द बेस्ट। मुझे बताए कि ये रेस तुम ही लोग जीतोगे। ओके ऑफ कोर्स वी विल। थैंक यू। कम ऑन। हाय हनी। ओह, तो इसी ड्रमर का जिक्र कर रही थी तुम? जिक्र होने लगा यारों की महफिल में। इसका मतलब हम मशहूर हो रहे हैं। कैसा लगा हमारा ये शेर? बिल्कुल अपने शायर की तरह, वेरी पुअर। लगता है इसलिए आज के कपल रेस में बैठने के लिए कोई लड़की नहीं मिली। सीट खाली है। इस खाली सीट पर तुमको बिठाऊंगा हनी। और मैं तुझे हॉस्पिटल के बेड पे लिटाऊंगा हनी के बच्चे। तू रेस शुरू तो होने दे। दोस्ती के नाम होटल जेपी में एक पार्टी होगी। You are invited, okay? ये मेरे प्यार का दावा है, इंतकाम नहीं। तुमको अपना नाम बनाया तो मेरा नाम नहीं। पार्टी में जरूर आइएगा वरना हमारा दिल टूट जाएगा। आज की रात मेरी जिंदगी की यादगार रात है। रेस जीत गए हो इसलिए? नहीं, तुम्हारा दिल जीत लिया है इसलिए। मेरे साथ डांस करके कैसा लग रहा है? बोर नहीं हो रही हूँ। अच्छा एक बार फिर से वो शेर सुना दो ना। ये मेरे प्यार का दावा है, इंतकाम नहीं। तुम्हें अपना नाम बना लूं तो मेरा नाम नहीं। तोड़ दूं या मरोड़ के तेरे गले की माला बना दूं? हाँ, पहुंचा दूं हॉस्पिटल के बेड पर। विजय, ये मेरा और विक्की का आपस का मामला है, प्लीज तुम बीच में मत पड़ो। तू चल मेरे साथ। इतनी भी तमीज नहीं कि दोस्तों की पार्टी में किस तरह आया जाता है? दोबारा कभी आना तो तमीज के साथ, बदतमीज बनकर नहीं। मैं भी देखता हूं साले तू मसूरी में जिंदा कैसे रहता है। विक्की, स्टॉप इट। विक्की, विक्की स्टॉप इट। कम ऑन, स्टॉप इट विक्की। ये सब क्या जंगली पना है विक्की? कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल के बाहर तुम्हें उसी वक्त हो गया था जब उस बास्टर्ड विजय की बाहों में तुम्हें थिरकते हुए देखा था। उस साले विजय ने रेस में मुझे मात देकर सबके सामने मेरा सर नीचा कर दिया।
और तुम उसकी जीत का जश्न मनाने उसकी पार्टी में पहुंच गई, उसे पूछा तक नहीं। किस लिए? मैं कहां जाती हूं, किससे मिलती हूं, ये मेरी मर्जी है। तुम होते कौन हो मेरी आजादी पर पाबंदी लगाने वाले? ओहो, तो मामला यहां तक पहुंच गया कि मेरी मोहब्बत भी भूल गई। माइंड योर लैंग्वेज, मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है, प्रेमी नहीं। और अगर तुम मेरी दोस्ती को प्यार समझ बैठे हो तो ये तुम्हारी भूल है। उसी भूल को सुधारने के लिए तो तुम्हें यहां लेकर आया हूं, ताकि दोबारा मेरे सिवा किसी गैर की भाव में झूल ना सको। मधु, मधु उतारो ना ये कपड़े। मधु, ये कपड़े उतारो। मधु, उतार कपड़े। What nonsense! खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। विकी, मैं कभी खजुराहो नहीं गया। विकी, लीव मी। वहाँ की मूर्तियों की सिर्फ तारीफ सुनी है। विकी, लीव मी। मैं तो आज तुम्हारे अंदर खजुराहो की सारी सुंदरता देखना चाहता हूँ। मधु, 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 ये कपड़े उतारो। ये कपड़े उतार, कपड़े नहीं छोड़ेगा। ये छोकरा बड़ा तगड़ा शिकारी है। छोकरी के अंदर खजुराहो देख के ही दम लेगा। मधु सिंघानिया, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? क्या बात है? आप विकी रावत को जानती हैं? आपका बहुत अच्छा दोस्त था। था मतलब? उसका मर्डर हो चुका है। क्या? चौंकने का नाटक मत कीजिए, आप सब अच्छी तरह से जानती हैं। पुलिस स्टेशन चलिए, ले चले मेरे साथ। हाँ, वो मेरा दोस्त था, लेकिन मैं लेकिन वेकिन से कुछ नहीं होगा। मधु जी, कल आप गोल्डन व्यू होटल में थी विकी के साथ, वो नशे में था, किसी बात पर आप दोनों की कहा सुनी हो गई। आपने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया और चीख चीख कर कहा कि आप उसका मर्डर कर देंगे। वहां के मैनेजर ने सुना। लालवानी, पहचानती हैं इसे? मैंने अपने कानों से सुना एसीपी साईं, अपने कानों से सुना। नी, ये सब झूठ है।
मैं विकी से पिछले दो दिनों से मिली तक नहीं। ये झूठ नहीं सच है, इसका सबूत है हमारे पास। ये रहा आपके कान का बाला, पहचानती हैं इसे? ये आप ही के कान का बाला है ना? ये उस कमरे में मिला जहां मर्डर हुआ, यहां तुम दोनों साथ थे। अब ज्यादा बहस मत कीजिए, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए मिस मधु सिंघानिया। ठहरिए। एसीपी साहब, आप मधु को पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते। आपकी तारीफ। विजय सान्याल, मैं इस होटल में म्यूजिकल शोज करता हूं और कुछ ही दिनों में मधु आंटी और इस होटल के साथ एक रिश्ता बन गया है मेरा, और मैं जिससे रिश्ता बनाता हूं वो मुश्किल में पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है एसीपी साहब? आप इन्हें मुश्किल से उबारेंगे कैसे? अगर आपके पास कुछ वजह है मधु को पुलिस स्टेशन ले जाने की, तो मेरे पास भी कुछ वजह है मधु को पुलिस स्टेशन ना ले जाने की। आप जिस वक्त मधु को विकी के साथ होने की बात कर रहे हैं, उस वक्त मधु का डॉक्टर रिजवी की क्लिनिक में मेडिकल चेकअप हो रहा था। इसे देख लीजिए, और जैसा टॉप आपके हाथ में है एक मेरे पास भी है। डांस करते वक्त ये फ्लोर पर गिरा था। अब आप मधु को पुलिस स्टेशन ले जाने की कोई और वजह ढूंढ लीजिए एसीपी साहब। क्या नाम बताया आपने? विजय सान्याल। इंटरेस्टिंग। क्या हम भी अपना काम कानून के दायरे में रहकर ही करना चाहते हैं? इस वक्त तो आपने हमें मात दे दी है, मगर रास्ता भी खोल दिया है। एक बात याद रखना मिस्टर विजय सान्याल। सान्याल, अपराधी जितना बड़ा शातिर होता है उतनी ही आसानी से कानून की गिरफ्त में आता है, और इस खूनी के साथ भी यही होगा। थैंक यू माय चाइल्ड, तुमने आज अपन को बहुत हेल्प किया। अगर आज अपन को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता तो अपन का बहुत इंसल्ट होता। थैंक यू माय चाइल्ड।
तुम नहीं, आप बोलो, आप। हम इस होटल की मालकिन मधु के हस्बैंड हैं, और तुम? Only caretaker. No. अब तुम caretaker भी नहीं हो, क्योंकि होटल की पावर ऑफ अटॉर्नी हमने अपने नाम करवा ली है। आज से तुम्हारा सारा नाटक बंद। What? Yes. तुम माँ और बेटी ने मिलकर मधु को बहुत चीट किया है। जूली ने दोस्त बनकर और तुम केयरटेकर। ये झूठ है, इल्जाम है अपुन पर। हमने मधु को हमेशा अपुन का बेटी माना है। इस होटल का हर काम ईमानदारी के साथ किया है अपुन ने। Shut up, you old woman! तुम्हारी बेईमानी का सबूत ये फाइल है। होटल के मेंटेनेंस के नाम पर तुमने लाखों रुपए खाए हैं। सॉरी मैम, जूस लाने में आज थोड़ी देर होगी। तुम सही वक्त पर आए हो, जूस हमें दो। मैडम की सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं और तुम जूस। बहुत ऐश कर चुकी, जाओ अकाउंटेंट से अपना हिसाब करवा लो। आज से तुम्हारी छुट्टी। अरे इचाल तो बहुत ही जरूरी है, इचाल नहीं चलेंगे तो फिर कैसे होगा? हेलो दमानिया साहब, कैसे हैं आप? कौन? सोच में पड़ गए ना आप। छोड़िए साहब, और एक खुशखबरी सुनिए, हमारी हिटलिस्ट में आपका नाम सबसे टॉप पर लिख दिया गया है। क्या बक रहे हो, कौन है तुम? आप तो डर गए दमानिया साहब। हम तो ये बता रहे थे कि होटल के पेपर्स तैयार हो चुके हैं, उन पर आपका नाम सबसे पहले और आपके पार्टनर्स का बाद में है। कमाल के आदमी आप विजय साहब। अगर आप होटल का जिक्र नहीं करते तो हम आपको पहचान ही नहीं पाते। और हम दूर रहकर भी आपकी खबर रखते हैं। भाई आपकी तारीफ के लिए हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं है, बस इतना ही कह सकते हैं कि यू आर ए वेरी ब्राइट यंग मैन। मैं आपका यहां आने का इंतजार करूंगा। अरे भाई गेम बंद करो और अच्छी खबर सुनो। क्यों यार? विजय ने होटल की कागजात तैयार करवा लिए हैं, अब फौरन रुपयों का इंतजाम करके हमें
कल ही मसूरी चले जाना चाहिए। अरे उन रुपयों का इंतजाम तो हो चुका है दमानिया साहब, वी आर रेडी विद कैश। ओ मैं क्या सोनिया, इससे पहले इस मुंडे के दिमाग में कोई नया आइडिया टर हो जाए, हमें कल नहीं आज ही मसूरी टर हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें चड्डा साहब की बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बाजी हमने विजय के साथ खेली है उससे वो कभी भी पलट सकता है। इसलिए आप लोग अपने अपने पैसे तैयार रखिए, मैं अभी जाकर चंदू सेठ से अपना कॉल मनी लेकर आता हूँ। ये शैतान कहाँ से टपक पड़े हो? अरे दमानिया साहब, आपकी उम्र बहुत लंबी है। हाँ, अभी आप 100 साल और जिएंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको याद कर लिया था मैं। चलो तुमने याद किया, हम चले आए, हमारे रुपए तैयार हैं। हुजूर, आपके पैसे तो दूध पी रहे हैं, अंदर चलिए। चंदू, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें रुपए अभी चाहिए और वो भी कैश। हुजूर, कैश भी मिलेगा और ऐश भी मिलेगी, पहले आप अंदर तो चलिए। आइए। ये चंदू सेठ की स्पेशल डायरी है सरकार, सिर्फ आप जैसे लोगों का हिसाब करने के लिए ही इसे खोलता हूं। और ये दमानिया साहब, इस शहर के सबसे बड़े कसीनो के मालिक। बोर मत कर चंदू, पैसे की बात कर, इस बुत को मेरे सामने से हटा। आपके अंदाज तो दुरुस्त है ना दमानिया साहब, जरा नजरें सही डालिए, मैं बुत नहीं चिंगारी हूँ। चिंगारी? की गर्मी से आपके गुस्से को पानी पानी ना कर दिया तो मेरा नाम भी कामया नहीं। बहुत गुरूर है तुम्हें अपने हुस्न पर, हाँ? हार जाओगी, टूट जाओगी, दमानिया पर किसी चीज का नशा नहीं चढ़ता। तब तो आपका अब तक किसी सही चीज से वास्ता पड़ा ही नहीं। आपको अब तक जितना भी जो भी याद है मैं वो सब भुला दूंगी। तो दिन में सपने देखने का बहुत शौक है तुम्हें, हुँ? सपने तो तुम्हें मैं दिखाऊंगी। नजरों से नजरों
मजा आ गया। मत डालिए, आग लग जाएगी, जल जाएंगे। हम जलने वालों में से नहीं, जलाने वालों में से हुआ करते हैं। पहले तुम्हारे जिस्म में लगे हुए इन तारों को एक एक करके चुनेंगे, फिर पैमाने की शराब की तरह पी जाएंगे तुम्हारे शबाब को। बहुत जहरीला शबाब है मेरा, ऊपर से नीचे तक जहर ही जहर भरा है, और तुम्हें काफिल करने के लिए इसकी एक घूंट ही काफी है। आज तो मैं तुम्हें ऐसा डंक मारूंगी कि तुम जिंदगी भर तड़पते रह जाओगे। वाह, मजा आ गया। रात भर मुकाबला होगा, देखते हैं किसका जहर किस पर चढ़ता है, तुम्हारे शबाब का या हमारी शराब का। औच, डंक मारना चाहती हूं? छोड़ूंगी नहीं, आज तुम्हें टस कर ही रहूंगी। ऐसी हसीन मौत मारूंगी कि तुम हंसते हंसते दम तोड़ दोगे। मामा विजय की बात कर रही हैं? यस, हम उसी रास्कल के बारे में बात करते हैं। पहले अपन से पावर ऑफ अटॉर्नी लिया, फिर होटल के ओनर के चेयर पर बैठ गया, और मधु को पता तक नहीं। एक न एक दिन जरूर बर्बाद करके रहेगा अपन के मधु को, जरूर बर्बाद करेगा। आपने मधु को अपनी बेटी और मैंने उसे अपनी बहन माना है, हमें उसे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। मैं अभी जाके उसे सब कुछ बता दूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करेगा। अरे, वो मधु का हस्बैंड है, मधु लव करता है उसको। तुम ऐसा कुछ करेगा तो मधु सोचेगा क्योंकि अपन से पावर ऑफ अटॉर्नी लिया, इसलिए अपन उससे उसका खिलाफत करते हैं। हाँ, तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ उस पर वॉच रखो, ओके? उसका हर एक्शन पर नजर रखो तुम। आ भाई, ये तो बहुत पुरानी जगह है भाई। क्या है? कैसा होटल है ये? छी 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 छी, इस होटल का फैसला तो हमने कर लिया है, लेकिन इसे देखने के बाद मेरे दिल में न जाने कुछ अजीब व गरीब ख्यालात पैदा हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये होटल का सौदा करके हमने बहुत गड़बड़ सी कर ली है। कुछ शगुन अच्छा सा नहीं लग रहा मुझे। सही कह रहा हो, लेकिन ये बताओ कि शगुन की बात हम बाद में करें, हमार दोस्त दमनिया कहाँ है? हमको तो इधर भेज दी, खुद किधर है? मेरे जी, हेलो, वो अंग्रेजी में कहावत है ना, ओ थिंक आउट द डेविल एंड द डेविल इज देयर। वो देखो दमानिया तर्र करता हुआ आ रहा है। यार, ये दमनिया का बच्चा तो रुपयों के साथ साथ अपनी उम्र बढ़ाने वाला टॉनिक भी ले आया। सही बोला,
और इस टॉनिक से दमानिया को उम्र 10 साल बढ़ जाएगा, लॉन्गर लिव 10। और रमा की उम्र 10 साल टर हो जाएगी। लेकिन ये दमानिया की खाकर पैदा हुआ है, एक टर यहाँ एक टर वहाँ, और हमारा टर टर। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सका। दरअसल अचानक कामया से मुलाकात हो गई और मेरा सारा प्रोग्राम ही बदल गया। कामया, ये हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, मिस्टर चड्डा। ओ मैं क्या ससरिया कार, कोई कार नहीं। और ये कुंवर सिंह जी। माई सेल्फ कुंवर सिंह जी, हाथ नहीं मिलाऊंगा, बोन शेक हैंड। और भाई साहब मैं निखिल चोपड़ा, सन ऑफ प्रेम चोपड़ा। मेरी रग रग में प्रेम ही प्रेम चोपड़ा हुआ है। मैं किसी से मोहब्बत भी करता हूँ ना, तो प्रेम से करता हूँ। किसी का कत्ल भी करता हूँ तो प्रेम से करता हूँ। और मैं भी आपको कत्ल करने के इरादे से ही यहाँ आई हूँ। रमा दिखाई नहीं दे रही। और रमा का टर हो गया। टर मतलब कि आपकी भाभी, मतलब हमारी भाभी अंदर है। शी इनसाइड इज। कुंवर सिंह जी। अच्छा रहता तो मैं क्या दवानिया जी, क्या टर माल लेके आए हो? एवी टर, ओते भी टर, क्या किस्मत है, मैं क्या हवा हवा। हेलो रमा। हाय। दमानिया जी, आप बहुत लेट हो गए हैं। हम सबसे तो परिचित हैं, पर इनकी तारीफ तो बताइए। शी इज कामया, होटल की इंटीरियर डेकोरेटर। हाँ हेलो, वेलकम दमानिया साहब, कैसे हैं आप? हेलो मिस्टर, हाउ यू डूइंग? दो दो। दीस आर फॉर यू। थैंक यू। अरे आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? चलिए आइए। कम कम, लेट्स गो। सी यू लेटर। सी यू लेटर। मुंबई से मसूरी का सफर कैसा रहा? कोई परेशानी? मसूरी तो एक स्वर्ग है। स्वर्ग में परेशानी कैसी? मीट माय वाइफ मधु। हेलो मधु, हाउ डू यू डू? फाइन थैंक यू। ये इस होटल के साथ साथ मेरी जिंदगी की भी मालकिन है। मधु, मीट दमानिया साहब, ये अपने पार्टनर्स के साथ पिकनिक मनाने आए हैं और कुछ दिनों तक हमारे होटल में रहेंगे। वेलकम टू सवॉय। थैंक यू। प्लीज कम, आई विल टेक यू टू योर रूम। चलिए। भाई मेरी समझ में ये नहीं आया कि विजय ने अपनी बीवी को सच क्यों नहीं बताया कि हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने नहीं बल्कि होटल खरीदने आए हैं। अरे आ गया, हीज कम, हीज कम। गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। आपके एक पार्टनर साथ में नहीं है? मिर्जा दरअसल उसे हवाई जहाज से आने में डर लगता है, वो बाइकार आ रहा है, रात तक पहुंच। वो उल्लू का पट्टा डरता है, कहीं उसका टर ना हो जाए। और जो डर गया वो मर गया, डेड ही। हाँ तो आज 25 दिसंबर की रात है दमानिया साहब, ऑफ सीजन है, सारे होटल्स खाली पड़े हैं, फिर भी मैंने आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक पार्टी रखी है। जिंदगी का आज ये पैगाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। ओ जिया क्या जिया, जिसने किया वो जिया क्या जिया, मजा न जिसने किया। किया है, जब है, मस्त ये शाम है, जो ना सम...
जिसने किया। लाश पूरी तरह से जल चुकी है और ये लाइसेंस मिला है। ये लूटपाट का मामला नहीं है गुप्ते, ये सीधा साधा मर्डर केस है। आप ठीक कह रहे हैं सर, ये खून जाति रंजिश की वजह से किया गया है। मिर्जा अशरफ बेग, सर हमारे टाइगर ने यहाँ का चप्पा चप्पा सूंघ लिया है, लेकिन इस नैपकिन के सिवा और कुछ नहीं मिला है। पुलिस आप लोग इसे पहचानते हैं? ये तो यकीनन मिर्जा का ड्राइविंग लाइसेंस है। जी ये हमारे बिजनेस पार्टनर है। है नहीं, था। ये आप क्या कह रहे हैं? ये लाइसेंस हमें उसकी लाश के पास बरामद हुआ है। ओह माय गॉड, वो आपका बिजनेस पार्टनर था? जी। क्या धंधा करते हैं आप लोग? बिजनेस होटल लाइन, मुंबई में हमारा कैसीनो है। मुंबई में तो कैसीनो नहीं होता। हमारा फैमिली बार कम ताश है। अब मतलब मैंने हजारों बार उस मिर्जा के बच्चे को कहा कि गाड़ी शराब पीकर मत चला, लेकिन वो नहीं माना। अब देखिए ना, बगैर मौत के ही मर गया। वो मरा नहीं है, मर्डर हुआ। वो साड़ा बिजनेस पार्टनर ही नहीं, वो साड़ा बड़ा अच्छा दोस्त सी। ओदी तो किसी दे नाल दुश्मनी भी नहीं सी,
फिर पता नहीं उधर टर कैसे हो गया। क्या टर? चड्ढा का कहने का मतलब ये है कि मिर्जा तो बहुत ही सीधा आदमी था, उसको कौन मार सकता है? Who the killer is? किलर कौन है ये तो मालूम नहीं, लेकिन उसका ताल्लुक इस होटल से जरूर है। ये मौका वारदात पर मिला है। ये नैपकिन हमारे होटल का जरूर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि नैपकिन को लेने वाला ही मिर्जा का कातिल हो। और फिर हो सकता है कि हमारे होटल का कोई सैलानी वॉक के लिए गया हो और भूल से ये नैपकिन वहीं गिर गया हो जहाँ मिर्जा के खून की वारदात हुई। मिसेज मधु, ये आपका नजरिया हो सकता है, मगर पुलिस वाले इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते। ऐसे भी साहब, मिर्जा की मौत का हम सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। इस कातिल के हाथ में हम जल्द से जल्द हथकड़ी देखना चाहते हैं। जनाब, पुलिस भी यही देखना चाहती है। जब तक इस कत्ल की इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, आप और आपके ये तमाम पार्टनर इस होटल को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये लोग हमारे गेस्ट हैं, कहीं नहीं जाएंगे एसीपी साहब। और आप भी मसूरी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तहकीकात के लिए आपको भी इन लोगों के साथ पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है। चलिए गुप्ते। एसीपी साहब, आप कुछ भूल रहे हैं। जी हाँ, आपको मुबारकबाद देना भूल गए हैं। अभी तो आपने इनके साथ में दोस्ती का रिश्ता कायम किया था और इतनी जल्दी आप शौहर भी बन गए, कोई सोच भी नहीं सकता। अगर एक बात याद रखिए, जो लोग बहुत तेज दौड़ते हैं वो ठोकर भी बहुत जल्दी खाते हैं। क्या नाम बताया था आप? विजय सान्या। सान्या, हेलो, मैं जूली बोल रही हूँ। मधु, तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? जूली, तबीयत तो ठीक है ना? विजय है क्या वहां पे? विजय मेरे सामने है, बोलो क्या बात है? मधु, मैं जो कुछ भी कहूंगी उसे ध्यान से सुनना और मेरी बात का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। हाँ, मैं सुन रही हूँ, तू बोल। मधु, मधु मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कल रात जो मेरी आंखों ने देखा उसके बारे में तुझे फोन पर बताऊं कि नहीं। कल रात तेरी आंखों ने क्या देखा? नहीं, फोन पर ये सब बातें करना ठीक नहीं। तू आज रात मुझे सनसेट पॉइंट पर मिल। मैं तुझे तेरे पति की असलियत और मिर्जा के कत्ल की सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड के पास जरूरी काम से जा रही हूँ, आने में शायद देर हो सकती है, इसलिए तुम डिनर पे इंतजार मत करना। जूली, 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 जू
ज्वेलरी की जगह अब उनको क्यों नहीं ले लिया गॉड, क्यों नहीं ले लिया? खुद को संभालिए आंटी, खुद को संभालिए आंटी, ज्वेलरी गॉड के घर गई आंटी। मधु, मधु मैं बहुत परेशान हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कल रात जो मेरी आंखों ने देखा उसके बारे में तुझे फोन पर बताऊं कि नहीं। नहीं, फोन पर ये सब बातें करना ठीक नहीं। तो आज रात मुझे सनसेट पॉइंट पर मिल। मैं तुझे तेरे पति की असलियत और मिर्जा के कत्ल की सच्चाई बताना चाहती हूँ। चिप, चिप विजय, चिप विजय घर पर नहीं है। बैठ जाइए। जी ये साड़ी बहुत महंगी है, फट जाएगी। जी, क्या काम है आपको मुझसे? आप इतनी रात गए सनसेट पॉइंट पर, अकेली क्या करने गई थी? जी वो जूली ने मुझे वहां फोन करके बुलाया था। वो मुझे मिर्जा की मौत के बारे में कुछ बताना चाहती थी। मतलब है जूली मिर्जा के कातिल के बारे में जानती थी और इसीलिए कातिल ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। जूली ने मरते वक्त आपसे क्या कहा? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं बताया उसने। प्लीज एसीपी साहब, उस हादसे से मैं अब तक बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। मुझे जूली की मौत के सिवा और कुछ याद नहीं। याद करने की कोशिश कीजिए मिसेस मधु। जूली के कत्ल के बाद में कातिल का अगला निशाना आप होंगी, क्योंकि आपके सामने जूली ने अपनी आखिरी सांसें ली हैं। कुछ तो बताया होगा उसने। जूली ने मुझे कुछ बताने के लिए वहां बुलाया था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले मौत उसके पास पहुंच गई। झूठ! उस वक्त जूली और उसकी मौत के बीच में उन दो लफ्जों का फासला था जो उसने आपसे कहे। बताइए क्या कहा था उसने? कुछ नहीं बताया उसने मुझे, कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ नहीं पता। जरूर बताया उसने आपको, कातिल का नाम बताया। बताइए कातिल का नाम क्या है मिसेस मधु? धुआं कहीं और से उठ रहा है और आग आप कहीं और तलाश रहे हैं। एक तो जूली की मौत के बाद हम पहले से दुखी है, ऊपर से आप टॉर्चर करने चले आए। शायद पुलिस वालों को टॉर्चर करते हुए तुमने देखा नहीं है मिस्टर विजय सान्याल। सान्याल मोर बना देते हैं मोर। What do you mean? I mean, why did you go there? मैडम, ये आपके पति इतनी रात गए सनसेट पॉइंट पर क्या करने गए थे? अपनी बीवी मधु को लेने, क्योंकि मधु जिस गाड़ी में गई थी उसमें पेट्रोल नहीं था। क्यों मधु? बहुत हो गया एसीपी साहब, मेरी बीवी को प्लीज मत परेशान कीजिए, प्लीज। माफी चाहते मैडम, आप परेशान हैं। अब जरूरत पड़ी तो हम आपको पुलिस स्टेशन बुलाएंगे मिस्टर। सच है कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था और हम मर्डर के बाद गाड़ी को टो करके पुलिस स्टेशन ले आए थे, लेकिन यह भी हो सकता है कि उसने खुद ही गाड़ी से पेट्रोल निकाल लिया हो। इंस्पेक्टर गुप्ते, तुमने इतनी जल्दी कंक्लूजन निकाल लिया? यस सर। क्या होटल की पावर ऑफ अटॉर्नी विजय ने अपने नाम करवा ली? मुझे वो तारीख भी याद है मधु जी,
आपकी शादी के दूसरे ही दिन मिर्जा साहब ने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा ली थी और अब वो ये होटल बेचना चाहते हैं। पेपर्स तक तैयार हैं। विजय होटल बेचना चाहता है और आपने मुझे बताया तक नहीं। सॉरी मधु जी, लेकिन मैं तो अभी तक यही समझ रहा था कि विजय साहब जो भी कर रहे हैं आपकी मर्जी से कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। एडवोकेट रस्तोगी ने सही बताया, मैं इस होटल को बेचना चाहता हूँ क्योंकि मुझे घाटे का बिजनेस पसंद नहीं। ये होटल तुम्हारे लिए बिजनेस हो सकता है विजय, मगर मेरे लिए नहीं। इसे मेरे डैडी ने बहुत मेहनत और मशक्कत से बनवाया था। इसमें चाहे नफा हो या नुकसान, मैं इसे किसी कीमत पर बिकने नहीं दूंगी क्योंकि इसके साथ मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं। मैं बिजनेस में इमोशंस को वैल्यू नहीं देता। इस होटल पे जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। इसे बेचने की परमिशन तुम दो या ना दो, कानून जरूर देगा। अब मेरे किसी भी काम में इंटरफेयर मत करना, अंडरस्टूड? आपकी शादी के दूसरे ही दिन विजय साहब ने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा ली थी। इस होटल पे जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी। अब मेरे किसी भी काम में इंटरफेयर मत करना, अंडरस्टूड? और अब ये होटल बेचना चाहते हैं, इसे बेचने की परमिशन दो या ना दो। चुम लो बॉस, चुम लो। विलायती विस्की है। अरे जरूर चुमेंगे यार, इसके इंटरनेशनल कार्ड पे अपना नाम, एड्रेस, सब कुछ लिख देंगे। शक किया,
कम लगेगा। पढ़ोगे हर लफ्ज नम लगेगा, ये दास्तां पढ़ोगे हर लफ्ज नम लगेगा। जितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा, ना दूरियां बढ़ाना हमको गम लगेगा। सब्र करना थोड़ी सी उलझन है, थोड़ा सा सब्र करना। एक बात तुमसे कह दूं, शिकवा कभी न करना, शिकवा कभी न करना, वरना खुशी का हमको एहसास कम लगेगा। ना खुशी का हमको एहसास कम लगेगा। जितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा, ना दूरियां बढ़ाना हमको गम लगेगा। जितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा। ये लो। थैंक यू बॉस। चार महीने तक मसूरी में नजर नहीं आना। अरे तुम चार महीना बोलते, हम चार साल तक नहीं देखेगा साहब। यू बेटर अंडरस्टैंड। चलो बच्चा लोग। किसी को नहीं छोड़ेगा अपुन, अपुन किसी को नहीं छोड़ेगा। अपुन की डॉटर को मार दिया, अब अपुन अखा दुनिया को मार डालेगा, अखा दुनिया को मार डालेगा। अपुन अपुन अखा दुनिया को मार डालेगा। कुंवर जी, रमा जी, अरे दवानिया जी, जिंदगी भर हम शराब पिए हैं लेकिन कसम से इतने प्यारे बुटबल हाथों से कभी नहीं पिए हैं। बाय गॉड। कुंवर सिंह जी, हम लोग यहाँ सिर्फ शराब पीने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि इसलिए बैठे हैं कि उस कातिल का पता लगा सकें जिसने मिर्जा जैसे दोस्त को हमसे छीन लिया है। दुरुस्त फरमा रहे हैं ये। लो जी, डर आ गए। आइए एसीपी साहब। आइए। क्या नाम है आपका मिस्टर? आई एम दर्शन दमानिया। मिस्टर दमानिया, अगर आप लोग कानून की मदद करें तो मिर्जा का कातिल बहुत जल्द गिरफ्तार हो सकता है। जी हम बिल्कुल आपके साथ हैं एसपी साहब। कातिल आप लोगों के बीच में है।
कातल हमारे में से एक है। इस बात को साबित करने के लिए एसीपी साहब तुम्हारे पास कोई तर है? ये परनोट की फाइल है जो मिर्जा की लाश के पास बरामद हुई। इसमें एक कागज मिला है जिसमें मिर्जा ने किसी को 3 करोड़ रुपया लोन दिया है, लेकिन कागज जल जाने की वजह से लोन लेने वाले का नाम पढ़ाई में नहीं आ रहा है। 3 करोड़। हम एक बात अर्ज करूं मैं एसीपी साहब, इतनी मोटी रकम दे वास्ते कोई मिर्जा तो क्या मंत्री मोदे का भी टर कर सकता है? अरे बिल्कुल सही बोले आप चड्ढा जी, यू आर स्पीक ट्रू। सर रमा जी, इस मामले के बारे में आपका क्या कहना है? बात से यू जी। मोहतरमा का क्या नाम बताया आपने? रमा सहाय। रमा सहाय, शी स्पीक ट्रू। यस। क्या है, मिर्जा ने इतनी बड़ी रकम किसी गैर को तो दी नहीं होगी? अगर दी होगी तो किसी अपने अजीज को ही दी होगी, और आप लोगों से बढ़कर उसका कौन अजीज होगा? हमें उम्मीद है एसीपी साहब कि आप मिर्जा के कातिल को सख्त से सख्त सजा देंगे। गुड नाइट। थैंक यू। हेलो। अरे रमा जी, कभी हमको भी आप दुनिया समझ लिया करो, हम भी बुरे नहीं हैं। हम लोग बेड में जाकर सो जाइए। कुमार साहब, होटल में हंगामा मत कीजिए प्लीज। अरे हंगामा हम कहाँ कर रहे हैं रमा जी, हंगामा तो वो एसीपी का नाम है उसका, सुमेश सिंह करता है। तेरे बहुत ही काइया अफसर है, हमसे भी ज्यादा काइया। बंद लिफाफे को देखकर अंदर का मजमू जान जाता है। एनवेलप क्लोज, इनसाइड रीड आउट। काम की बात कीजिए कुमार साहब। काम की बात करने ही तो आया हूँ मैं रमा जी। मैं सुना हूँ कि दीवारों के भी कान होते हैं, बैठ के बात हो जाएगा? हमार बदन बहुत टूट रहा है, थोड़ा लेट जाऊं। दरअसल का है रमा जी, ये जो हमार मिर्जा है ना, बहुत क्लोज फ्रेंड था। मरने के पहले वो हमको बता दी कि आप उससे 3 करोड़ रुपए उधार लिए थे और कुछ कागज बागज पर भी दस्तखत किए थे, साइन ऑन सिग्नेचर पेपर। आप उन जले हुए प्रोनोट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो मिर्जा की गाड़ी में मिले थे? हाँ, तो आप कहेंगी कि वो कागज पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, न नाम न सिग्नेचर न दस्तखत। तो हम ही कहेंगे कि हमार जो बंधु है मिर्जा, बहुत ही जबरन तेज था, उस कागज का ओरिजिनल अपने बैंक के लॉकर में लॉक करके चला गया, और उसकी चाबी, अरे बुढ़वा हम तो भूल ही गए, वो चाबी तो हमारे पास है। इट इज विद मी। अब कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं रमा जी कि अगर इसकी खबर हम उस ससुरे एसीपी को दे दें तो मर्डर केस में 20-25 साल तो कहीं नहीं गए। इट इज फिक्स्ड। आप चाहते क्या है? चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि आपके 3 करोड़ में से हाफ कितना कहते हैं? हाँ, 1.5 करोड़, और एक रात आपके साथ जरा गुटर पुटर, और मेरी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, किसी से नहीं बोलूंगा। मैं आपका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, बस थोड़ी देर के लिए मुझे सोचने दीजिए ना रमा जी, थोड़ी 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 देर के लिए। मैं आपका वहां बैठकर इंतजार करूंगा। जरिया ने हाय रमा जी बड़ा थी।
हेलो हेलो रमा जी कुंवर जी मैं रमा बोल रही हूँ। आपकी आवाज सुन के तो हमारा दिल लुथल पुथल हो गया। इट इज रेचलेस। डोंट वरी कुंवर जी, 1.5 करोड़ की रकम पाने के बाद आपकी बेचैनी हमेशा के लिए मिट जाएगी। आप मुझसे मिलने आ जाइए। मैं आता हूँ रमा जी। ए बार बंद कर, मैं आता हूँ रमा जी। रमाजी क्या जगह चुनी है आपने? ऊपर आसमान, नीचे जमीन, इस खुली खिड़की के सामने आप और मैं खुला रोमांस करेंगे। ओपन रोमांस। आई एम रमा। हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? कौन हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है जी साहब? नाटक मत कीजिए, कातिल कोई और नहीं, आप हैं। जी? आपने मिर्जा से 3 करोड़ लिए थे, ये बात कुंवर सिंह जानता था। जब उसने 50% मांगा तो आपने मिर्जा की तरह उसे भी मार दिया। नहीं नहीं, कुंवर सिंह कल रात को मुझे ब्लैकमेल करने जरूर आया था, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसका खून नहीं किया। मेरे यकीन करने से अदालत अपना फैसला नहीं बदल देगी रमा जी। एसीपी सुमित सिंह से आप मिल ही चुकी हैं। अब मैं क्या करूं? रास्ता है। मैं नहीं चाहता कि कुंवर सिंह के खून की खबर अखबारों में छपे, क्योंकि मेरे होटल की बदनामी होगी। मुझे क्या करना होगा? कुंवर सिंह की लाश को छुपाना होगा ताकि किसी की नजर ना पड़े, बाद में मौका मिलते ही कहीं दफना देना। प्लीज आप मेरी मदद करेंगे? लाश को उस डिनर ट्रॉली में छिपा देते हैं। गुड मॉर्निंग विजय साहब। गुड मॉर्निंग रमा जी। अपने हथेली के लगे इस खून के दाग को मिटा लीजिए, वरना लोग समझेंगे कि आप किसी का खून करके आई हैं। ए, ये ट्रॉली कहाँ ले जा रहे हो? इसकी जरूरत है सर, दमानिया साहब का बर्थडे है।
ये आपने क्या हालत बना रखी है रमा जी? आंखें लाल, बिखरे बाल, शायद रात भर सोई नहीं आप। मैं आपको थैंक्स कहने आई हूँ विजय साहब। अगर आपने कल रात को कुंवर सिंह की लाश ट्रॉली से नहीं हटाई होती तो पार्टी में तो हंगामा हो जाता। और वो सुमेध सिंह, एसीपी सुमेध सिंह वहां पर मौजूद था। ये क्या कह रही हैं आप? कुंवर सिंह की लाश को मैंने नहीं हटाया। क्या? अगर आपने लाश नहीं हटाई तो ट्रॉली के अंदर से गायब कैसे हो गई? लाश कभी खुद गायब नहीं होती। कुंवर सिंह की लाश को भी किसी ने गायब किया होगा। कौन हो सकता है? जो आपसे चलता हो। काम्या? करेक्ट, ये काम उसी ने किया होगा। लाश गायब करके वो आपको फंसाना चाहती है ताकि आप उसके और दमानिया के रास्ते से हट जाएं। रास्ते से मैं नहीं, उसे हटना होगा विजय साहब। मैं हटाऊंगी उसे। गड़बड़ है दमानिया, बहुत गड़बड़ है। आजकल रमा के तेवर कुछ बदलते हुए नजर आते हैं। जब से ये कामिया अपने ग्रुप में आई है ना, रमा हमसे दूर होती जा रही है। सो तो है। रमा ने मुझे बताया था कि कंवर सिंह बॉम्बे गया हुआ है, मगर जब मैंने बॉम्बे में फोन किया तो नौकरानी ने बताया कि वहां नहीं पहुंचा है। कहां रुक गया होगा? क्या समझा? मुझे जेल भिजवा कर जिंदगी भर दमाने के साथ ऐश करती रहोगी? हाँ, इसलिए तुमने कुंवर सिंह की लाश को भी हटा दिया? कुंवर सिंह की लाश? इसका मतलब कुंवर सिंह को भी मार दिया गया? और अब तुम्हारा नंबर है। दमानिया मेरा प्यार, मेरा यार है। उसके लिए मैंने अपना धर्म, ईमान सब खो दिया है। और अब मैं तुम्हें भी अपने रास्ते से हटा दूंगी। ये क्या किया तूने? आखिर तुम्हारी दिली तमन्ना पूरी हो ही गई। मार डालो उसे। सिर्फ इसका ही नहीं, इसके बाद तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी आएगा तो उसका भी हश्र ऐसा ही होगा। तुम क्या समझते हो, कामया को रास्ते से हटाकर तुम मुझे पालोगी? मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, नफरत। मन करता है अभी गला दबाकर तुझे मार डालूं। छोड़े से मत भूलो कि रमा हमारी पार्टनर है और होटल के डील में इसकी जरूरत भी है। हमें जेल भी छोड़ूंगा इसे। पुलिस बुलाओ अभी। पुलिस बुलाओगे? गुनाह के जिस घर में रहते हो ना, उस बुनियाद की ईंट हूं मैं। ईंट हिलाओगे तो पूरा घर ढह जाएगा। दमानिया साहब, मुझे धमकी दे रही है तू? मुझे? पुलिस को बुलाओ, अंजाम खुद ही देख लेना। और अगर मैं गिरफ्तार हुई तो पूरे अपराधों का चिट्ठा खोल दूंगी। हालात की नजाकत को समझो दमानिया। जिस कश्ती में हम सवार हैं उसमें सुराग हो चुका है, और फिर हमने आज तक जो कुछ भी किया है मिलजुल कर किया है। चलो चलो। कपड़े यहां पर हैं
तो लाश भी यहीं कहीं पर होगी। भाई आज दो दिन हो गए, कुंवर सिंह ना वापस आया ना उसका कोई टेलीफोन आया। वेरी सरप्राइजिंग। पता नहीं कितने गया। मुबारक हो दमानिया साहब, मुबारक हो। अरे भाई क्या बात है, किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? शादी हो रही क्या इनकी? ओ, शादी से याद आया दमानिया साहब, तुम्हारे कोल दो दो टोटे आ गए, हम दोनों का भी टर्टर करा दो ना। शादी नहीं चोपड़ा साहब, आप लोग होटल सवाई के मालिक बनने वाले हैं। ये रहे सौदे के पेपर्स, हमने साइन कर दिया है, सिर्फ आप लोगों को साइन करना बाकी है। साइन करके पेमेंट दे दीजिए। पेमेंट तो कर देंगे भाई, मगर कंवर सिंह का यहाँ होना बहुत जरूरी है। ओ काका, कंवर सिंह साडा पार्टनर ही नहीं, साडी बॉडी का एक हिस्सा है। जब तक वो नहीं आएगा ना, इसी टटर नहीं करांगे। हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कंवर सिंह अब नहीं आएगा, मिस्टर टर है। कंवर सिंह का खून हो चुका है। उसके कपड़े हमें झील के किनारे मिले हैं, उसी के हैं ना? ये कपड़े तो कुंवर सिंह के ही हैं। दमानिया, ऐसा भी टर हो गया। मगर कुंवर सिंह की लाश कहाँ है? लाश नहीं मिली है, मगर जहां से ये कपड़े मिले हैं उस इलाके का हमने चप्पा चप्पा छान मारा है। लगता है या तो कातिल ने लाश को पानी में बहा दिया है, या फिर कहीं दफना दिया। पहले मिर्जा मारा गया, अब कुंवर सिंह मारा गया, आखिर कातिल है कहां? और वो हमारे पार्टनर्स को ही क्यों मार रहा है? मिस्टर दमानिया, कातिल आपके पार्टनर्स को एक एक करके क्यों कत्ल कर रहा है, ये राज शायद मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि कातिल जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ही है। मैं पूछता हूँ कि अगर आपको मालूम है कि काजल हमारे बहुत करीब है, तो आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? एसीपी साहब, तुसे की चांदे हो कि खूनी साढ़े जो बचे हुए हैं वो भी किसी का टर करके चला जाए? दायरे में रहकर बात करो, हम सिर्फ सबूत की तलाश में हैं, और जब तक के लिए हम आप सबको सावधान रहने की हिदायत दे रहे हैं। अच्छा फर्ज निभा रहे हैं, कातिल को गिरफ्तार करने के बजाय आप हमें हिदायत देने आए हैं। अगर कानून हम जैसे शरीफ आदमियों की हिफाजत नहीं कर सकता, तो कहाँ के एसीपी साहब हैं आप? कौन से मर्ज की दवा है आप? हम पुलिस वाले भी आप लोगों की तरह इंसान हैं, कोई भगवान नहीं जो आंख बंद कर सभी पापियों को देख ले, और ना ही कोई जादूगर है जो हाथ घुमाकर आसमान को मुट्ठी में कैद कर ले। एसीपी साहब, आप जैसे ऑफिसर्स की जुबान से ऐसे अल्फाज कानून के कद को छोटा कर रहे हैं। कानून के कद को नापने की कोशिश मत करो मिस्टर दमानी, रही बात कातिल की तो हम यकीन दिलाते हैं कि बहुत जल्द कातिल गिरफ्तार हो जाएगा। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? चलो उठते हैं। नहीं 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 नहीं, अब मुझे इस होटल खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इस एग्रीमेंट पर बिल्कुल दस्तखत नहीं करूंगा। हाँ, आप लोगों को होटल खरीदना ही होगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमने दूसरी पार्टी के साथ सौदा कैंसिल कर दिया है। अंडरस्टैंड? अरे मुझे तो शुरू से ही बैड फीलिंग आ रही थी, नहीं मानी मेरी बात किसी ने, नहीं मानी। कुंवर का बच्चा खा मखा मर गया, मैंने नहीं मरना, मैंने नहीं मरना। क्यों बे, पुलिस पीछे पड़ गई? यहाँ नहीं मुंदे वासे टर करने जा रहा है, डरता क्यों है? मेरे होते हुए तेरा कोई भी टर नहीं कर सकता। अबे हो टर के बच्चे, तूने भी अगर जान बचानी है तो मेरे साथ भाग चल, भाग चल, वरना मरने का तेरा वक्त है। यानी के कातिल मेरे पीछे टर कर रहा है? तेरे पीछे नहीं, तेरे आगे है। आगे तू है? अबे मैं नहीं, तू दमानिया का बच्चा और रमा दोनों मिलकर हमारे सब पार्टनर्स को एक एक करके मार रहे हैं, ताकि वो सारे होटल के मालिक दोनों अकेले बन जाए। हाँ, अगर तू जा रहा ना तो अब तेरे मरने का वक्त आ जाएगा। मैं काम करता हूँ, मैं अपना सामान टर करके आता हूँ। सामान को भूल जा, जिंदा रहा तो बहुत सामान आ जाएगा। तू मेरे साथ चल बेवकूफ, चलो चलो चलो, भाग चल। जल्दी चलो, ये होटल का चक्कर में हम चल 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 चल
यहाँ चड्डे की चड्डी गीली हो रही है और ये जो मौत है ना ये तुम्हारे सर पे मंडला रही है। किधर पीछे नहीं, पीछे नहीं, मौत तो तुम्हारे आगे है, बहुत जल्द तुम्हारा टर होने वाला है। क्या बकवास करता है, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? जीते जी मुझे मौत के मुंह में। देखो ये वही ब्लैक कोट वाला किलर है समझे, जिसने अभी अभी कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, और वो अभी अभी निखिल चोपड़ा और चड्डा का खून करके यहाँ आया है। एडवोकेट रस्तोगी के पास से। झूठ बोल रहे हो तुम रस्तोगी के पास से नहीं, चड्डा और चोपड़ा का खून करके आ रहे हो, इसलिए पुलिस तुम्हें तलाश रही है। क्या बकवास कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? पागल नहीं हुई मैं, मैंने आज तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। तुम ही वो काले कोट वाले कातिल हो जिसने मिर्जा को मौत की नींद सुला दिया, चूली को भी तुम्ही ने मारा है, मरते वक्त उसकी जबान पर तुम्हारा ही नाम था। मधु तुम ही खूनी हो, तुम कातिल हो, तुम किलर। अपनी बीवी को डरा धमका के तुम अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते। क्या नाम बताया था तुमने? विजय सान्याल। सान्याल, हमने कहा था ना तुमसे, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। आज तक तुम जो खेल खेलते आए थे वो खत्म हो चुका है, अरेस्टिंग। कैसे बनता है, तुम इस यातना से बच सकते हो अगर तुम अपने गुनाहों को कबूल कर लो और हमें बता दो कि तुमने यह कत्ल क्यों और किस लिए किए। मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे विक्की, मिर्जा, कुंवर सिंह, चड्ढा, निखिल चोपड़ा, चूली, अब किसकी बारी थी, दमानिया की या रमा साहब की? We'll be right back.
मुझ पे है नजर 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 बेखबर एक नजर तुझ पे है कौन है कातिल कौन निशाना कौन है पागल कौन दीवाना है कौन कोई न जाना बताता हूँ सर बताता हूँ हाँ ये सच है एसीपी साहब मैं धमानिया और उसके पार्टनर्स को मार देना चाहता था जान लेने के मकसद से ही मैंने उन्हें मसूरी बुलाया था मगर अफसोस मैं उन्हें मार नहीं सका जब जब मारने की कोशिश की मेरे से पहले कोई और उन्हें मार देता था अभी भी साला सच नहीं उगल रहा है कहानियां गढ़ रहा है और ऐसी कहानियां पुलिस वाले रोज सुनते हैं एसीपी साहब आई एम टेलिंग द ट्रूथ कहेगा तू सब कुछ कहेगा तू बताएगा साले तूने कितने खून किए हैं ले जाओ साले को ट्रूथ के रास्ते पर हेलो एसीपी साहब चिल्ला साले चिल्ला एसीपी साहब अभी अभी एक डिस्कोथेक में काले कोट वाले कातिल ने रमा नाम की एक औरत का खून कर दिया उसका गला घोंट के मार दिया सर क्या आप जल्दी पहुंचिए सर ओके आई एम कमिंग ओके लीव हिम काले कोट वाला कातिल ये नहीं छोड़ दो सर लीव हिम लेट्स मूव आई टोल्ड यू एसीपी साहब आई टोल्ड यू आई वाज टेलिंग द ट्रुथ We'll be right back.
रमा ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गई थी। कुंवर सिंह की लाश को मैंने नदी में बहा दिया था और उसके कपड़ों को मैंने जंगल में काट दिया था, जिनको एसीपी सुमेध सिंह तुम लोगों के पास लाया था उस नीच को मैंने ही मारा था। अशरफ मिर्जा बेग को भी मैंने ही मारा था। गाड़ी के साथ उड़ा दिया था कमीने को। चड्डा और निखिल चोपड़ा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन दोनों को मैंने कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा था। अभी थोड़ी देर पहले एक डिस्को थेक में मैंने रमा को भी मार दिया है, और अब तू भी नहीं बचेगा दमानिया, तू भी नहीं। तुम जैसे शैतानों को मारने के लिए ही मुझे जूली जैसी बेगुनाह लड़की की जिंदगी को भी मिटाना पड़ा, क्योंकि उसने मुझे मिर्जा का कत्ल करते हुए देख लिया था, और मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम दरिंदों को मारने से पहले मेरा राज खुल जाए, वरना तुझे मारने का मेरा मकसद अधूरा रह जाता। मेरे पार्टनर्स को मारकर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? आखिर मेरे साथ तुम्हारी दुश्मनी क्या है? दमानिया सेठ, मेरे बारे में जानने के लिए तुझे अपना अतीत याद करना होगा। सूरज नागपाल नाम के उस बैंक मैनेजर को याद करना होगा जो तेरा और तेरे बिजनेस पार्टनर्स का दोस्त हुआ करता था। उसने एक दिल आदमी ने तुम लोगों को दोस्ती के नाम पर 10 करोड़ का लोन दिलवाया था, और तुम पापियों ने लोन वापस करने के बजाय उस शरीफ आदमी को गोली से मार दिया। लेकिन दमानिया, तू भूल गया था कि ऊपर वाले का एक और इंसाफ भी होता है, वो है खून का बदला, खून। इसलिए बैंक मैनेजर के मुर्दा जिस्में जनसा से वापस आ गई। सावित्री, हे भगवान, सावित्री, मेरे पास बहुत कम वक्त है, मैं तुम्हें और बच्चों को मिलने चला आया। ऊपर वाले ने इसीलिए सांसें बचा कर रखी थी, वरना उन्होंने तो मुझे मार ही डाला था। कौन थे वो लोग पापा? वो लोग दमानिया और उनके साथ। आज तक लापता है। मेरे दिल में तुम शैतानों के लिए नफरत की आग भड़क उठी, जो मुझे पल पल करके जलाती रही। मैं अपने मासूम भाई की तलाश में और तुम दगाबाजों को मारने की ख्वाहिश में दर बदर भटकती रही, मर्दों के बाजार में खिलौने की तरह बिकती रही, और फिर कॉलगर बनकर चंदू सेठ नाम के उस आदमी के पास पहुंच गई, जो तुम जैसे अय्याश आदमियों के सामने लड़कियों को चादर की तरह बिछाता था। उसके मुंह से तेरा नाम सुनकर मैंने पहचान लिया कि तू ही वो दमानिया है जिसने मेरे पिता का कत्ल किया था, और फिर मैं तेरे साथ हमबिस्तर होकर तेरे साथियों तक मसूरी पहुंच गई। लेकिन न जाने क्यों इस होटल का मालिक विजय भी तुम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन जब जब वो तुम्हें माने जाता था मैं वहां पहले पहुंच जाती थी। तो तुम उस बैंक मैनेजर नागपाल की बेटी हो? हाँ, उनकी
लड़की और तेरी मौत। अपने बाप के खून का बदला लेना चाहती हूँ मुझसे। मेरे साथियों को एक एक करके तूने मार डाला, अब मुझे भी उसी तरह मारना चाहती हूँ। हाँ? चल मार। नहीं दीदी, तुमको अब और खून करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। दीदी तुम यसबी साहब दमानियों को और उसके आदमियों को मैंने मारा है। मेरा भाई बेगुनाह है यसबी साहब। दीदी मधु, मेरे भाई का ख्याल रखना, मुसीबतों का मारा है बेचारा। अब तुम्हारे सिवा इसका कोई नहीं। तुम्हारी बहन की मौत का मुझे अफसोस है। तुम्हें
विजय सान्याल के झूठे नाम की अब जरूरत नहीं है। रोहित, एक बात मैं बताना भूल गया, विकी मर्डर केस की फाइल अब बंद हो चुकी है।